अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने शेवी साइड व्लॉग इंजॉय नहीं किया है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और करें शेवी साइड व्लॉग इंजॉय। कल मैच वाला व्लॉग अपलोड हो चुका है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाएँ मैच वाला व्लॉग देखें, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग था। और फाइनली मैंने इंस्टाग्राम पर पिक्चर भी अपलोड कर दिए, मुझे दोस्त ने पिक्चर दे दिया था कल, वही जो शूट का पिक्चर था। बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे तो मुझे कल मिला तो मैंने फ़ौरन इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाएं इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी करें और पिक्चर भी देखें, इंजॉय करें। आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आप लोगों को मैच वाला व्लॉग कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। मैंने जब फर्स्ट मैच व्लॉग बनाया था, फिर जो सेकंड वाला कल अपलोड किया, उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाई थी कि अगर आप लोगों को मैच वाला व्लॉग देखना है तो जल्दी से इधर यस या नो में आंस दें। तो मुझे 99% यस आया था, तभी मैंने मैच वाला व्लॉग बनाया था जो कल अपलोड किया है। और अगर आप लोगों को अब जो आने वाला सैटरडे है, अगर उसमें आप लोगों को मैच व्लॉग चाहिए नहीं तो इस वाले व्लॉग में कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैच वाला व्लॉग फिर बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। इस बार जो बना ना, इस बार बहुत ही मसला हो गया था मैच में, आप लोग जाके देख लेना, अभी मैं इतना नहीं बता सकता। और अभी मैं जा रहा हूँ किसी काम से, मुझे कुछ काम है, फिर फारिग होकर मैं आता हूँ तो आप लोगों से मिलता हूँ। 2 hours later यार आज बाहर ना बहुत लेवल की गर्मी है, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। अब जा रहा हूँ जल्दी से फ्रेश होने, फिर उसके बाद खाना खाने क्योंकि भूख लगी हुई है। सुबह भी मैं नाश्ता करके नहीं गया था, अभी मैंने शावर लिया है तो थोड़ा फ्रेश हुआ क्योंकि गर्मी से आया, बिल्कुल सर घूम रहा था मेरा, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा सबसे पहले शावर लेता हूँ, फिर उसके बाद खाने में बैठता हूँ। और खाना भी आ चुका है, खाने में है अंडा बिरयानी, बेहतरीन। भूख भी बहुत तेज़ लगी है, अब जल्दी से मैं उसको फोड़ लूँ क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया था, बिल्कुल पेट में चूहे दौड़। अच्छा खाना वगैरह खा चुका हूँ और ठीक 5 मिनट बाद लाइट जाने वाली है क्योंकि लाइट जाने का टाइम हो जाएगा। और मैं जब भी नहा कर आता हूँ ना, मेरे बाल मुझे जहर लगता है क्योंकि ये नीचे ही होता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, अभी भी इतने ज़्यादा ख़राब हो रहे, पता नहीं क्या हो जाता है इसको। अभी मैं जा रहा हूँ अपना सबसे पहले हेयर वगैरह सेट करूँगा, फिर उसके बाद लाइट भी चले ही जाएगी, मुझे लैपटॉप में काम करना था, लाइट आएगा तो फिर अपना काम लेकर बैठूँगा। अभी फारिग हूँ तो सोच रहा हूँ थोड़ा टेरिस में चले जाता हूँ, तो सबसे पहले अपना हेयर सेट करूं फिर उसके बाद टेरिस। मेरे तो भाई हेयर सेट नहीं हुए इसलिए मैंने इसमें हेयर बैंड लगा दिया। मैंने बोला चलो थोड़ी देर बाद आऊँगा तो सेट हो जाएगा। जाते जाते मुझे एक चीज़ दिख गया कि मामा ने ऊपर पापा से चादर लगवा दी है ताकि धूप से ये जितने भी पौधे वगैरह हैं ना ये जल ना जाए। और अभी मामा चिल्ला रही थी इस पर, ये है कड़ी पत्ता, जो कड़ी बंद है ना ये उसका पत्ता है, तो ये किसी ने पता नहीं तोड़ दिया घर के बच्चों ने क्या किया। अभी मामा बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही थी और माशाल्लाह एलोवेरा तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, लाइन से लगा हुआ है एलोवेरा। और इधर लगा हुआ था वो करेले का था, आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे बहुत पहले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था, इधर पूरा लाइन से करेले लगा था, वो पता नहीं कहाँ चले गया, आई थिंक यही वाला है, ख़त्म हो चुका है। और बाकी एलोवेरा ये तो बहुत ज़्यादा ही लोग यूज़ करते हैं फेस वगैरह के लिए, बहुत अच्छा होता है, मैं भी ये फेस वगैरह के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं भी यहीं से तोड़ता हूँ इसको पूरा, ये पूरा मैंने यहाँ से खाली कर दिया, देखें आप लोग, पूरा मैं हर संडे लगा रहा होता हूँ ये अपने फेस पे। ऊपर टेरिस में भी इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, मैं मुझे पता था बहुत तेज़ धूप है, बट मैंने कहा थोड़ी फ्रेश हवा वगैरह चल रही होगी तो थोड़ा सा बैठ जाऊँगा, लेकिन धूप तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। सोच रहा हूँ कि मैं नीचे चले जाऊँ, जाके थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, जब सोकर उठूँगा ना तो फिर अपने लैपटॉप में काम करूँगा, लाइट भी आ जाएगी। लाइट आने में भी 1 घंटा बाकी है क्योंकि लाइट जाती है 1 घंटे के लिए, जैसे ही लाइट आती है तो अपना काम करने के लिए बैठ जाऊँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा सोने क्योंकि नींद बहुत ही तेज़ आ रही है मुझे। टाइम हो रहा है 6, लाइट आ चुकी थी 5:30 बजे बट मुझे किसी ने उठाया नहीं, अभी अभी मेरी आँख खुली है, मैं जल्दी जल्दी उठा, मैंने कहा चलो अपना
लैपटॉप में काम लेकर बैठ जाऊँ, फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, अब जा रहा हूँ अपना लैपटॉप लेने। लैपटॉप लेने के बाद अपना काम स्टार्ट करूँगा। लैपटॉप लेकर आ चुका हूँ, इसको जल्दी से मैं ओपन करूँ और आप लोगों को एक चीज़ में डिज़ाइनिंग में दिखाऊँगा, बहुत ही मुझे क्लास का लगा वो। पहले मैं सबसे पहले अपना लैपटॉप ओपन कर लूँ। लैपटॉप ऑन हो चुका और मैं आप लोगों को एक क्या बोलूँ, क्या ज़बरदस्त बेहतरीन डिज़ाइनर है यार, उसको मैं आज देख रहा था टिकटॉक पे, उससे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। अभी मैं वही बैठा हूँ काम करने के लिए, मैंने कहा चलो कुछ कर लेता हूँ, फारिग ही बैठा हुआ हूँ। अभी अपना लैपटॉप ऑन किया, मैं आप लोगों को सबसे पहले उसकी डिज़ाइनिंग दिखाता हूँ। यार क्या क्लास का डिज़ाइन करता है, उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ। आप लोगों को पता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से तो मुझे कितना प्यार है, और उस बंदे ने क्या अपनी डिज़ाइनिंग की है यार, बहुत ही लेवल का बंदा है वो। उसकी यूट्यूब आईडी भी है, बट मैं उसको जो देखता हूँ ना वो मैं टिकटॉक पे देखता हूँ। तो इधर मैं अपनी आईडी टिकटॉक की ओपन करता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ उसकी डिज़ाइनिंग। इधर साइन अप हुआ हुआ है मेरा टिकटॉक, देखता हूँ कि हट तो नहीं गया। हाँ, इसकी मैं आवाज़ को बिल्कुल ही स्लो कर दूँ, ज़ीरो। ये नेट इतना सीलो क्यों चल रहा है यार, नेट बहुत प्रॉब्लम करता है। यहाँ पे तो मेरी आईडी ऑन ही नहीं है, तो इसको मैं अपने कर लेता हूँ फेसबुक से, क्योंकि मैंने पहले भी फेसबुक से ही किया हुआ था पासवर्ड। तो पासवर्ड एंटर कंटिन्यू, ये क्या, हाँ ओपन हो चुका है। जल्दी हो जाए यार, लॉगिन से एक्सेस। कहाँ गया वो, मेरी आईडी कहाँ है, मैंने उसको फॉलो किया हुआ है, कहाँ गया वो। अरे इधर इधर कुछ टॉक्स वीडियो वगैरह दिखा दिए, तो उसमें सॉन्ग आ जाएगा, जब सॉन्ग आ जाएगा तो आप लोगों को पता है कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से मैंने हटाया हुआ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यार, इसमें मुझे मोबाइल से देखना होगा कि किस नेम से आईडी है, ताकि मैं डायरेक्ट आईडी खोलूँ और आप लोगों को दिखा दूँ। मैं आईडी ऑन कर चुका हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यार क्या लेवल के वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। अभी आप लोग सिर्फ चेक करना कैसे वो डिज़ाइन करते हैं। इनको मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, यूट्यूब पे इनकी मैं वीडियो देखता हूँ, फिर वही ट्राई करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा डिज़ाइनिंग मैं बना सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनको ज़्यादातर फॉलो कर रहा होता हूँ, बहुत ही वीआईपी ये डिज़ाइन बनाते हैं यार, बहुत ही लेवल का डिज़ाइन होता है इनका। मैं आप लोगों को इनकी एक पूरी वीडियो दिखाता हूँ अच्छी सी, तो कौन सी मैं आप लोगों को दिखाऊँ, कौन सी। अरे यार इसमें से यही ओपन कर लेता हूँ। अभी सिर्फ आप लोग देखना इनकी टिकटॉक पे आईडी, अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरा व्लॉग देख रहे तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग 1 लिखकर इनकी टिकटॉक पे आईडी सर्च कर ले, फिर वहाँ से जाके इनके यूट्यूब में जाके वीडियो वगैरह देख ले, बहुत कुछ सीख सकता है, क्योंकि मैं इनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहा होता हूँ। अभी देखना यार ये क्या लेवल का बना कर देंगे, मैं ज़रा करीब ले जाता हूँ। ये देखिए क्या ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग है, देखा ना आप लोगों ने क्या वीआईपी डिज़ाइनिंग ये बनाते हैं। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं इनका ही मोबाइल में देखूँगा पहले यूट्यूब में कि कैसे बनाना, मुझे एक दो चीज़ बनाना, तो मैं वो जल्दी से ट्राई करके अपना काम ख़त्म कर। मुझे जो बनाना था वो हाफ़ मैंने बनाया, अभी हाफ़ ही कम्प्लीट हुआ, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ। जब वो फुल कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मैं आप लोगों को लैपटॉप ऑन करके दिखा दूंगा कि मैंने क्या चीज़ बनाया। अभी वो हाफ ही बना था, इस वजह से मैंने कहा अभी छोड़ देता हूँ, अभी अपना लैपटॉप ऑफ कर दिया, जल्दी से इसको मैं ऑफ करके रखूँ। लैपटॉप वगैरह अपना रख चुका हूँ और अभी मुझे जाना है इंस्टीट्यूट, हमाद की कॉल आई थी कि उधर कुछ काम है, तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा हाफिज हमाद को उठाऊँगा, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट जाऊँगा, देखता हूँ क्या काम है उधर। और मुझे अम्मा से ये
चीज पूछना था कि गूगल में हम लोग कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं बहुत ज्यादा ही सिलो डाउनलोड होता है, तो ये हमारे हम्माद भाई बैठे हुए हैं। हम्माद भाई आज हमें बताएंगे कि सिलो डाउनलोड और फास्ट डाउनलोड हम लोग कैसे करें। तो चलते हैं डायरेक्ट पीसी की तरफ। हम्माद भाई हमें पीसी में बताएंगे कि कैसे डाउनलोड करते हैं। आपको क्या करना है, क्रोम अपना ओपन करना है, फिर ये ऊपर URL बार होगा, इसको बोलते हैं URL बार। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे क्रोम, क्रोम लिखने के बाद यहाँ पर आप डालेंगे कॉलन, इसको बोलते हैं कॉलन, जो ऊपर नीचे डॉट होते हैं लाइन में, ठीक है। कॉलन डालने के बाद आप डालेंगे स्लैश डबल स्लैश, एक स्लैश दो स्लैश, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे फ्लैक्स, ठीक है। क्रोम कॉलन स्लैश स्लैश फ्लैक्स, ठीक है। आप इंटर कर देंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, इसको नहीं छेड़ना है आपको। आपको यहाँ पर सिर्फ सर्च करना है पैरेलल, PARALLEL, ठीक है। यहाँ पर पैरेलल डाउनलोडिंग आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो है डिसेबल हुआ हुआ होगा या डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ होगा, तो आपको यहाँ पर करना है इनेबल। तो इनेबल करने के बाद यहाँ पर आप रीलॉन्च के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो आपकी जो सॉफ्टवेयर होगा या कुछ भी होगा तो वो फास्ट डाउनलोड होगा। अगर आप लोगों को मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए तो आप लोग जल्दी से PH Skills चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे हम्माद भाई पूरी डिटेल्स के साथ वीडियो बनाते, बहुत ही अच्छी अच्छी, आप लोग बहुत कुछ PH Skills चैनल में जाकर सीख सकते हैं। अभी अभी काम फारी कर घर पे आया हूँ, हम्माद से सारी चीज़ें पूछ ली। आप लोग वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट चले गई है घर में, आप लोगों को पता है 10:30 बज जाती है। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।